हेलो नमस्कार, नमस्कार चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने को लेकर, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, पोर्टल में जनरेट करने को लेकर सभी अतिथि शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई। इसमें बोला गया है, अतिथि शिक्षक चिंता न करें, सभी का अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा, कोई भी अतिथि शिक्षकों को निराशा नहीं किया जाएगा, और जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने प्राचार्य से बात करें, ठीक है। और सुनील से परिया जी DPI में बात कर रहे हैं, अगर अतिथि शिक्षक कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो समाधान किया जाएगा और मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। सभी के अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे और सरकार की ओर से जो घोषणा की जाएगी उसका लाभ सभी अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा, जो DEd BEd है उनको भी, जो नहीं है वो उनको भी। और किसी प्रकार की समस्या हो तो सुनील से परिहार जी से संपर्क कर सकते हैं। इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हुए वीडियो भी दिखाने वाले हूँ। क्या कहना है सुनील से परिहार जी का वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें अपडेट पाने के लिए। साथियों नमस्कार, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग चिंता ना करें, सभी अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट होंगे, आप सभी के नाम पैनल में दर्ज होंगे। जो DO आदेश को नहीं मान रहे, आप कलेक्टर साहब को एक आवेदन लिखिए और आदेश की कॉपी लगाकर उनको लिखिए कि ये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लगातार लोक शिक्षण संचालनालय में अधिकारियों के संपर्क में हैं, जो भी दिक्कत आती है तत्काल अधिकारियों को अवगत कराते हैं और समय भी एक बार बढ़ गया और यदि ज़रूरत पड़ी तो आगे और भी अपन उसकी तारीख बढ़वाएंगे। 31 मार्च तक के लिए मैंने लिखा है। आप सभी साथी अपने अपने HM प्रिंसिपल से अनुभव प्रमाण पत्र संकुल से क्लेम करवा कर डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करें और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सभी को लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से हम सबका भविष्य सुरक्षित होगा। कोई भी अतिथि शिक्षक ये ना सोचे कि सिर्फ पास का बनेगा, पास हो, फेल हो, प्रशिक्षित हो, अप्रशिक्षित हो, जिसने भी काम किया है अनुभव प्रमाण पत्र सबके जारी होंगे। आप सभी जागरूक रहें और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज भेजें, हम तत्काल अधिकारियों से अवगत कराकर समस्याओं का समाधान करवाएंगे। जल्दी से जल्दी आचार संहिता से पहले अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी करवाने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।